आपको क्या लगा कि हम चले गए? जी नहीं, मैं बिल्कुल यहीं पर ही हूँ। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो रहा हो और राजुल आपको अपडेट देने ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आइए बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर सीरीज की। हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। पटाखे आप चला रहे होंगे इंडिया में, हम मुझे पूरी उम्मीद है। हमने अपनी यहाँ तैयारी कर ली है क्योंकि टीम इंडिया के साथ यहाँ धूम धड़ाका करना पड़ेगा अगर बॉर्डर गावस्कर सीरीज तीसरी बार जीतनी है तो। आपको याद होगा वो एक टाइम होता था जब सब लोग बोलते थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना है तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते थे कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस इसी इंडियन टीम ने उसी नामुमकिन को मुमकिन किया, एक बार नहीं दो बार। बट क्या अब तीसरी बार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट उसके लिए दो चीजों पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहला, आपकी अग्रेसिव गेम, और दूसरा, अपने दिमाग पे कंट्रोल। आइए बात करते हैं अग्रेसिव गेम की। अग्रेसिव गेम क्यों? क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है तो बिल्कुल उन्हीं की तरह अग्रेसिव गेम खेलनी पड़ेगी। उनका प्लान टेस्ट क्रिकेट में बड़ा सिंपल है और कई सालों से चलता आ रहा है। वो लंबा खेलते हैं अपनी पहली इनिंग्स में, तगड़ा स्कोर बनाते हैं और ऑपोजिशन को दो बार ऑल आउट करते हैं, बोल्ड आउट करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इंडिया को भी ये सीरीज जीतनी है दोबारा से तो ये 30-40 रन पे ऑल आउट होना बंद करना पड़ेगा भाई। ये जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा और लंबे लंबे स्कोर्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एडलेड में लास्ट टाइम बुरी तरह से हारने के बाद टीम इंडिया ने मेलबर्न में सॉलिड स्कोर बनाकर कमबैक किया था। तो लंबा लंबा स्कोर खेलना पड़ेगा और 20 बार 20 विकेट्स लेके दो बार ऑपोजिशन को आउट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट। सेकेंड है अपने दिमाग पे कंट्रोल, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो वो फिजिकली तो गेम खेल ही रहे होते हैं आपके साथ ग्राउंड में, वो आपके साथ इमोशनली आपके माइंड के साथ भी खेल रहे होते हैं। क्योंकि प्लेयर्स स्लेजिंग कर रहे होते हैं आपकी ग्राउंड के ऊपर, पिच के ऊपर। आप फील्डिंग करने जाते हैं स्टैंड्स पे तो वहां ऑस्ट्रेलियन फैंस आपके कान में लगे होते हैं, वहां स्लेजिंग चल रही होती है। गेम खत्म करके आपका मुश्किल दिन है, आप होटल पहुंचते हैं, रिलैक्स करते हैं, न्यूज खोलते हैं, तो वहां ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बिल्कुल वही चीज कर रही होती है जो ऑस्ट्रेलियन फैंस और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स करते हैं। तो अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, तभी आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर हरा सकते हैं। तो अग्रेसिव गेम और अपने दिमाग को शांत रखना, दो ऐसी चीजें हैं जो अगर ये टीम इंडिया करती है तो तीसरी बार फिर से धमाका करेगी और ये फेस्टिव सीजन कंटिन्यू रहेगा ऑस्ट्रेलिया में।